हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं कल रात में जो ओरिएंट बेल दिया था उससे आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और जैसा मेरा प्रॉमिस था लाइव मार्केट ट्रेडिंग का, तो ट्विटर और टेलीग्राम पर जो लाइव मार्केट ट्रेड दे रहे हैं, जैसे फियाम इंडस्ट्री दिया था उसमें पैसा बना, आज हमने ट्विटर पर जो एप्टस डाला था उसमें पैसा बना, तो आप लोग कमा रहे होंगे। और वैसे ही आज फिर कुछ देने वाले हैं, तो पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट में आ सकता है भूचाल, क्या कहानी है, लास्ट में वन आवर में मार्केट क्यों गिरा, रोमांस स्कैम क्या है, कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी ना तभी आपको पता चल सकेगा नोटिफिकेशन के साथ। देखिए मार्केट की चाल, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट जाएगा तो किधर। वहां पर मुझे लगता है हमें एक एक चीज न्यूज से अपडेट रहना चाहिए, कोई भी न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज एक अलर्ट की तरह है जिससे एक्सीडेंट होने से हम बच सकते हैं। अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने भी कुछ कहा है, जो मुझे लगता है जो एजुकेशन है उसके तौर पर सबसे ज्यादा समझने की नीड है। एजुकेशन वर्ड पे मैंने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि अभी जो मार्केट में गिरावट है वहां पर सबसे ज्यादा लोग परेशान वो हैं जिन्होंने बिना समझे बिना नॉलेज के इन्वेस्ट किया है। लेकिन जिन लोगों ने विद एजुकेशन सोच समझ के इन्वेस्ट किया है वो कोई भी लोग परेशान नहीं है। क्या है, अभी देखिए इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, साथ में आरबीआई ये आगे भी करेगी, रुकने वाला नहीं है। अब इससे क्या होगा वो समझ लीजिए, इकोनॉमी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, कंपनी की इनकम कम हो जाएगी, वहीं पर इंटरेस्ट रेट अप होने से बैंक एफडी के रेट बढ़ाएगी, जिससे जो नॉर्मल रिटेल भाई हैं, एक तो ऐसे ही डरते हैं मार्केट में आने से, उनको जब एफडी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो वो और भी स्टॉक मार्केट से दूर जाएंगे, एफडी में पैसा लगाएंगे। जैसे अभी मार्केट की गिरावट में क्या हो रहा है, लोग मार्केट से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, डर रहे हैं, यानी जिस मार्केट को रिटेल भाई संभाल रहे थे वही अगर दूर चले गए तो कौन सपोर्ट करेगा। क्योंकि बड़ी सिंपल सी कहानी है, जब मार्केट में तेजी होती है तो जो इन्वेस्ट नहीं करने वाले लोग हैं वो भी आते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होती है तो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो भी दूर चले जाते हैं। तो अभी जब रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा तो एक तो ऑलरेडी 2022 का 6 महीना गुजर चुका है, लोग यूं ही परेशान है, अरे भैया क्या हो गया, 6 महीना खिंच गया, कुछ नहीं मैं निगेटिव में हूं। तो और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो लोग इस तरीके से दूर होने लगेंगे, तो जहां पे रिटेल भाई का सपोर्ट है इस मार्केट को वो टूट जाने का डर रहेगा। और यहां पर एक चीज और समझें, जितना यूएस मार्केट गिरा अमेरिकन मार्केट हम उतने नहीं गिरे, जितना नीचे से कवर यूएस मार्केट नहीं हुआ, भले ही छोटा सा है बट हम उनसे ज्यादा हुए, क्यों, क्योंकि रिटेल भाई है, रिटेल भाई सपोर्ट कर रहे हैं, बट वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है एज पर डेटा, ये समझने की नीड है। FII लगातार माल बेच रहे हैं और शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि FII ने इतने लंबे समय तक माल बेचा है, वहां पर रिटेल भाई प्रोटेक्टिव दीवाल बने हुए हैं और रिटेल भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हर एक इंसान खुद के लिए लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट को संभाला हुआ है, तो मेरी तरफ से लाइक है बट आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में, आज की नहीं आने वाले वक्त में रिस्क फैक्टर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर बात आज की नहीं हो रही है, तो ये एक नज़रिया है जहाँ पर फ्यूचर जो आगे आने वाला वक्त है जहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है, डरने की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिरावट ही एक मौका होता है SIP मोड में इन्वेस्ट की, याद रखिएगा SIP मोड, एक साथ नहीं, एक साथ पैसा, लमसम पैसा तब लगता है जब मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो, लेकिन SIP में पैसा तब लगता है जब मार्केट धीरे 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 गिर रहा हो, तो आपके पास माल इकट्ठा होता जाता है और आप एक रियल इन्वेस्टर की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हो, ना कि अपनी सारा पैसा। अब बात करते हैं लास्ट वन आवर में मार्केट क्यों गिरा, वो भी जान लीजिए। जो सेंट्रल बैंक के चीफ हैं, जैसे फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन लोगों ने क्लियर कट कहा है कि हमारा जो कमिटमेंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो हम कंट्रोल करके लेके आएंगे, चाहे इसके लिए किसी भी पेन को क्यों ना झेलना पड़े। अब ये बड़ी ही धमाकेदार बात है, किसी भी पेन को क्यों ना झेलना पड़े, ये बहुत ही हार्ड वर्ड है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन को भले ही कंट्रोल करने की कोशिश करें बट वहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा ही आएगा, जिससे रिसेशन की बात होती है।
मैं ऑलरेडी कई वीडियो में इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नौकरियाँ जानी चालू हो चुकी हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप लोगों को निकालना शुरू कर दिए हैं, कभी अनअकैडमी वाले, कभी बायजू वाले, कभी ये कभी वो, हर दिन लोगों को निकाला जा रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लोगों की अर्निंग घटेगी, लोग क्राइसिस में आएंगे, तो ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट के रूप में आने वाला है। तो ये जो थी जिसके कारण लास्ट वन आवर में आपने मार्केट में गिरावट देखी, और आप सबको भी मैं बता दूं मेरे दोस्त, सेकेंड अर्निंग के लिए तैयार हो जाइए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, वहाँ पर सेकेंड अर्निंग के रास्ते ढूंढने शुरू कर दीजिए। ढूंढने का मतलब फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन कैरियर रास्ता है जो सही तरीके से सीख कर समझ कर आपको एक रिटर्न दे सकता है। अब हम चलेंगे बेहतर स्टॉक के लिए, उससे पहले थोड़ा सा एक हटकर टॉपिक है, बट टॉपिक बहुत ज़रूरी है और आप सबको समझना ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट से रिलेट नहीं है बट आपके पैसे से रिलेट है। कोविड के बाद लोगों को प्यार में फंसाकर ठगने की घटना बहुत तेज़ बढ़ गई। प्यार के नाम पर ठगी पहले भी होती रही है, लेकिन महामारी के दौरान अकेलापन, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, बहुत इतना आसान हो गया लोगों को टारगेट बनाना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टारगेट बना रहे हैं। पिछले दो साल में डिजिटल रोमांस स्कैम की संख्या बढ़ी है, इसमें लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लग चुकी है, ऑनलाइन साइट का सहारा लिया जाता है। और अभी अगर हम 2021 में बात करें, 95,000 लोगों ने शिकायत दर्ज की है, तो न जाने ऐसे अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। 77 करोड़ डॉलर की ठगी है, जबकि यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, 2019 में ये 10.5 करोड़ डॉलर था, तो दो साल के अंदर 7 गुना रोमांस स्कैम हुआ है। अब इस चीज़ को ऐसे समझें, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से पीछे बस खड़ा है तो रोमांस स्कैम खड़ा है, और यहाँ पर पैसे की रिकवरी भी मुश्किल है। इसलिए प्लीज़ अपने मेहनत के पैसे को यूँ बर्बाद ना करें। हो सकता है आप में से कोई ना कोई सुनने वाले लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो, वो भी इसके शिकार हुए हों, तो प्लीज़ बहुत मेहनत का पैसा है। मुझे लगा ये न्यूज़ थोड़ी सी हटके है बट आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे एक अवेयरनेस फैले कि आखिर सोसाइटी में हो क्या रहा है, और आप इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे कोई भी परिवार से इस तरीके से पैसे की ठगी ना हो। चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, वहाँ पर मैंने अपना प्रॉमिस आज फिर से पूरा किया। लाइव मार्केट में एप्टस का चार्ट 278-281 ब्रेकआउट था और उसके ऊपर 288-40 का हाई लगाया, तो मेरा प्रॉमिस रोज़ मैं पूरा कर रहा हूँ। रात में 8:30 बजे के शो में भी आपको ट्रेड दे रहा हूँ और लाइव मार्केट में भी ट्विटर और टेलीग्राम पे ट्रेड दे रहा हूँ। आप कमाएं, आगे बढ़ें, मार्केट के प्रति एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आपका क्रिएट हो, यही मेरी कोशिश है कि मार्केट से पैसा बनता है, बस हमारा अप्रोच सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए। ये मैं हर दिन आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे हम लोगों ने आपको एक और लाइव ट्रेड दिया था फियाम इंडस्ट्री का 1380 का, करेक्ट है, और मैं इसको लाइव चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ, आप इसको समझना कि किस तरीके से मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन होता है। प्रॉपर 1380 का हाई लगा और वहाँ से मार्केट गिरा है, कल भी वहीं से गिरा, आज भी वहीं से गिरा, तो रोज़ कमा सकते हो, रोज़ कमा लो, हम तो बेहतरीन लेवल दे रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, लेकिन क्या आप वीडियो को शेयर करते हो जिससे इंडिया का हर एक इंसान कमा सके, उसके पास एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सके इस स्टॉक मार्केट के बारे में, ये आपको सोचना है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ बट मैं चाहूँगा हमारे परिवार के हर एक सदस्य वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हमें मोटिवेशन मिलेगा तभी ये सब चीज़ हम डेली बेसिस पे कर पाएंगे। आपका प्यार रोज़ मिलेगा तभी डेली बेसिस पे टेलीग्राम और ट्विटर पे डाल पाएंगे और आप कमा सकते हैं, तो हमें मोटिवेट करते रहें तभी हम ये कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, उससे पहले थैंक यू सो मच बहुत ही बम्पर रिस्पांस देने के लिए, इस ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके बहुत सस्ते में सीखने के लिए जो एक कदम आपने बढ़ाया है, तो बिल्कुल वो चीज़ें आपको मिलेंगी, बस मज़ा करते रहें, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। अब हम आते हैं कल के लिए क्या है उस पर, तो शालीमार पेंट्स पहला, जहाँ पे आज लाइव मार्केट में हमने ये ब्रेकआउट पकड़ा था 165 के ऊपर, 173 भी गया, लेकिन चूंकि एक ट्रेड आपको दे चुके थे तो ज़्यादा हम दे नहीं सकते थे, तो वहाँ पर 173 का हाई लगाया है, तो यानी कल अगर अब इसने इसको कंटिन्यू करना है
तो 173 के ऊपर इसने चलना ज़रूरी है, तो 173 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। उसके बाद है प्राइकॉल, प्राइकॉल 131 और 134 इसका मेक और ब्रेक है, 131 134। उसके बाद जो आज हमने एप्टस दिया वो एज इट इज अब 290 के ऊपर निकलेगा तो तेजी होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, जहाँ पे इसने तेजी होने के लिए 1047 से 1050 का मेक और ब्रेक देना ज़रूरी है। साथ में याद रखिएगा, जैसे आज मैंने लाइव ट्रेड यहाँ पे दिए थे वैसे ही कल भी मुझे लाइव मार्केट में लगेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो अपना जुड़े रहिए, प्रॉपर से फॉलो कीजिए। और साथ में 10 जुलाई से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, मैं कैसे दुनिया से अलग स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, कैसे वो इंट्राडे में बूम, कैसे वो स्विंग में बूम होता है। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को ओरिएंट बेल दिया था, अब ईमानदारी से बताइए कि 690 के ऊपर में 733 गया, 40 रुपया, क्या आप 40 रुपये होल्ड कर पाओगे? 5 रुपये में बात निकल के बुक जाओगे कि अरे मिला 4 रुपया 5 रुपया, बहुत बढ़िया। तो क्या है इंट्राडे का तरीका, क्या है स्विंग का तरीका, कैसे बिग टारगेट के लिए होल्ड करते हैं, सब कुछ सिखाएंगे। 9708094321 आपके सामने नंबर है, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हाथ पकड़ के सिखाते हैं और लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। आप सब ने बहुत जगह से सीखा होगा बट लाइव ट्रेडिंग नहीं होती, यहां पर हम हर दिन आपको लाइव ट्रेडिंग कराते हैं और लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। मौका जाने देंगे, सीट बुक करें जहाँ पे लोग कैसे लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और कमाते रहें। जय हिंद, जय भारत।